सब उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। और हमारी जो गिफ्ट है वो अभी तक ठीक नहीं हुई है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है। कल रक्षाबंधन है और सब गेस्ट वगैरह आएंगे और तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और अभी तक ना लिफ्ट ठीक ही नहीं हो पाई। हम बहुत ज़्यादा कॉल कर करके परेशान हो गए हैं बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है अभी तक। बेचारी लिफ्ट हमारी सुनी पड़ी हुई है। और मैं बोल रही थी कल है रक्षाबंधन, इस बार ना इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि राखी जो है इस बार 11 की है या 12 की है। कुछ लोग 11 की सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग 12 की कर रहे हैं। मतलब हमारी फैमिली में तो सब लोग 11 की ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आप किस दिन रक्षाबंधन जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हो। और अभी ना इस टाइम आई थिंक 6:30 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग कराने के लिए अपने पास के सलून में। और ये आज काफ़ी पेड़ की मतलब कटिंग वगैरह हुई, हमारे घर के सामने वाला जो पेड़ है ना उसकी कटिंग वगैरह हुई है आज। तो अभी मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग कराने के लिए और मैंने ना अपने फेस पे कोई मेकअप वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ और लिपस्टिक वगैरह भी नहीं लगाई हुई। उसका रीज़न ये है कि जब वो थ्रेडिंग करती है ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या, सारा ना मुँह ऐसे ऐसे गंदा हो जाता है और जो लिक्विड लिपस्टिक होती है ना वो इस टाइम ना लगाने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि अगर इस टाइम लिक्विड लिपस्टिक लगाओ तो फिर वो ना शाम तक फिर उतरती नहीं है। और अगर मैं दूसरी वाली लगा के जाती जो बुलेट लिपस्टिक्स होती है नॉर्मल, तो वो फिर वो सारी उतर जाती जब थ्रेडिंग वगैरह कर, तो सारा मुँह जो है वो गंदा गंदा हो जाता है। तो इसीलिए मैं कोई लिपस्टिक नहीं, कोई मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया। कपड़े भी ये वाले मैंने अब पहने हैं, वैसे मैं नाइट सूट में घूम रही थी। तो बस अभी मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग कराने के लिए। इतना ज़्यादा आलस भरा हुआ ना मेरे अंदर, मतलब जब कोई ओकेजन होता तब जाती हूँ मैं ये सब कराने के लिए। तो मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, ठीक है। तो गाइस अभी हो रहे हैं 8:56 और हम जा रहे हैं मार्केट। ये लो मार्केट जा रहे हैं हम, कुछ सामान वगैरह खरीदने आज हम जाएंगे स्कूटी पे। टेलकम प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर, कि मुझे ना टेलकम लगाना बहुत पसंद है। चलो जी चलो। लास्ट ईयर मुझे याद है मैं गाड़ी में गई थी सामान वगैरह लाने के लिए, क्योंकि उस टाइम ना कुदरत होने वाली थी और मेरा लास्ट मतलब 9 मंथ ही चल रहा था उस टाइम पे, लास्ट रक्षाबंधन पे। क्या कर रहे हो भाई? और तो मैं गाड़ी में गई थी, तब भी मैंने शायद ब्लॉग, हाँ तब भी मैंने ब्लॉग बनाया था। और अभी भी हम जा रहे हैं सामान लेने के लिए, तो चलो चलते हैं। जसप्रीत अभी जिम से होके आए हैं, मेरे को लेके नहीं जाते, अकेले अकेले हुआ। भीड़ देखो गाइस, ओ माय गॉड। सामान वगैरह हमने ले लिया और अभी ना हम यहाँ पे आए हैं, साउथ इंडिया शॉप है यहाँ पे, और हम यहाँ पे आए हैं डोसा खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी तो हमने सोचा चलो यार डोसा ही खा लेते हैं। चौबीस घंटे फोन। मैं खाऊंगी जी वेज उत्पम, जसप्रीत यहाँ पे खा रहे हैं डोसा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि मैं जसप्रीत की प्लेट में ठुंगा ना मारूं और जसप्रीत मेरी प्लेट में ठुंगा ना मारे। सो गाइस हम अभी आ गए हैं यहाँ, मैंने कुछ राखियाँ ली हैं और ये कोक हमने वहाँ पी थी, और जो सामान है वो हमने गाड़ी में पहले रख दिया क्योंकि लिफ्ट जो है वो चल नहीं रही और इतना सारा सामान टॉप फ्लोर के ऊपर लेके जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ना जसप्रीत। और ये मैंने लिया है अपने लिए एक मोगू मोगू, जो कि है मैंगो फ्लेवर में, और अभी ना मैं मैंगो फ्लेवर में ट्राई करूँगी, अभी नहीं कल करूँगी, अभी तो मेरा पेट एकदम फुल है। मैं डोसा तो मैंने नहीं खाया, जसप्रीत ने खाया था डोसा, लेकिन मैंने उसमें से टेस्ट किया था। जसप्रीत ने भी मेरा उत्पम खाया था, वैसे ऐसी बात नहीं है। चलो यार चलते हैं सीढ़ियों से,
जसप्रीत यार समान ले लो मेरे तो, देखना जरा यार कैसे करते हैं। हे गाइस, तो अभी बज रहे हैं 11:30 और हम शॉपिंग वॉपिंग करके आ चुके हैं। हमने खाना तो वहाँ रेस्टोरेंट में ही खा लिया था, बहुत टेस्टी खाना था। और शॉपिंग हो गई है, राखियाँ हमने खरीदी हैं, जो थोड़े बहुत गिफ्ट वगैरह थे वो हमने खरीदे हैं, और मिठाई जो है वो हम कल ही खरीदेंगे। और ये कुदरत देखो ना क्या करती जा रही है बार बार, इसके तो आँखों में भाई नींद ही नहीं है, ये हमें सुला के ही सोती है। और मुझे कमेंट करके बताना गाइस कि आप जब ये ब्लॉग जाएगा, आई थिंक रक्षाबंधन हो गया होगा, और रक्षाबंधन का भी मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जसप्रीत किरण आ रही है कि आपका जो रक्षाबंधन है वो कैसा गया, आपने 11th को सेलिब्रेट किया या फिर आपने 12th को सेलिब्रेट किया। हम तो भाई सब लोग मिल के कल ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी जसप्रीत आ गई, हाथ तो देना दे, यानी कि हम कल 11 तारीख को थर्सडे को हम सेलिब्रेट जो है वो कर रहे हैं। आप कब कर रहे हैं सब कुछ मुझे बताइएगा कमेंट करके। अरे हैंड वॉश वगैरह कर दो प्लीज़, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और गाइज आपको मेरे व्लॉग वगैरह कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना मेरा चैनल, बेल बटन भी आप प्रेस कर देना। ठीक है जी, मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट रक्षाबंधन वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।